हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी सरकारी नौकरी हो या फिर किसी कॉलेज में दाखिला हो या किसी भी जगह पर दाखिला हो, तो वहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था है। और रिजर्वेशन के लिए सरकार ने दो कैटेगरी बना रखी है, एक तो SC और ST को एक ही कैटेगरी माना जाता है, और दूसरा है OBC कैटेगरी, और तीसरी जो जनरल है तो वो कैटेगरी नहीं मानी जाती, वो नॉर्मल है, कोई भी जाकर उसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो SC और ST ही कैटेगरी है वो थोड़ा OBC से नीचे, सबसे नीचे ही होती है ये, जिसमें कट ऑफ वगैरह ये सब मार्क्स वगैरह, इसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों में अगर हम दलितों की बात करें तो दलित SC में आते हैं, यानी कि वे शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, जबकि जो आदिवासी जो समुदाय होता है वो ST में आते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लेकिन यहीं पर ही मामला फंस जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो SC में सिर्फ तीन धर्मों के ही लोग शामिल होते हैं, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोग। इसमें जो दलित मुस्लिम होते हैं और जो दलित ईसाई होते हैं वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर भी डिमांड हो रही है कि इसको लेकर कोई नीति बनाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पुश कर रही है कि सरकार का क्या स्टैंड है, तो हम इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेटिशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी है यहाँ पर। तो क्या है ये पूरा मामला रिजर्वेशन को लेकर, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आउटलुक, कास्ट इन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज पुशिंग सेंटर टू डिसाइड ऑन रिजर्वेशन फॉर दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियंस। आउटलुक का आर्टिकल है, तो बात करते हैं कि मामला क्या। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन कोटा अभी के लिए उन लोगों को मिलता है जो दलित सिर्फ तीन धर्मों के होंगे, और ये धर्म है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। बाकी के जो दूसरे धर्म हैं जैसे कि इस्लाम और ईसाई, इन धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले दलितों को किसी भी प्रकार का शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। और इसके लिए इतनी सारी पेटिशन आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि अब ये फैसला लीजिए कि क्या शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट है वो मुस्लिम, दलित और ईसाइयों को भी दिए जाने चाहिए या नहीं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा है कि अब इस मामले में बात करने का समय आ गया है। इस बेंच में जस्टिस किशन कौल, जस्टिस AK ओका और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल है, और अब शायद आने वाले समय में केंद्र सरकार एक नेशनल कमीशन भी बना सकती है ताकि मुस्लिम, दलित और मुस्लिम ईसाई की आर्थिक, राजनीतिक और उनकी एजुकेशन को स्टडी किया जा सके, और शायद उसके बाद ही मुस्लिम दलित और ईसाई दलितों पर फैसला लिया जा सके क्या इन्हें शेड्यूल कास्ट के अंदर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि दलितों को दिया जाने वाला रिजर्वेशन क्यों लाया गया था। तो देखिए, दलितों को रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि ताकि उस ज़माने में जो स्थिति दलितों की थी वो उसमें सुधार किया जा सके। उस समय दलितों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, और उनके साथ छुआछूत जैसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था, यानी कि हिंदुओं में ऊंची जाति वाले दलितों को छूना भी पाप समझा जाता था। उनके द्वारा छू हुई किसी चीज़ को भी छूने से पहले वो चीज़ को धोया जाता था और शुद्धिकरण किया जाता था गंगा जल से, या जो भी उनके कर्मकांड थे उनके जरिए, और उन्हें मंदिर में भी प्रवेश नहीं मिलता था। और ये सिलसिला अब काफ़ी हद तक तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी दलितों को मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती है, और बहुत सी दिक्कतें हैं जो देश का दलित फेस कर रहा है। और इसी चीज़ को देखकर ही संविधान में दलितों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और अगर बात की जाए तो दलितों को डिफाइन करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और संविधान के आर्टिकल 341 के अंदर राष्ट्रपति को दिया गया है कि कौन दलित होगा, कौन सी कास्ट दलित होगी, कौन सी रेस, ट्राइब्स, पार्ट ग्रुप ऑफ विद इन कास्ट रेशन ट्राइब्स विच शैल बी डीम्ड टू बी स्केड्यूल्ड कास्टेस। अगर हम देखें तो दलितों को रिजर्वेशन देने की शुरुआत 1950 से हुई थी, जिसमें सिर्फ हिंदुओं को ही कवर किया गया था। लेकिन इसके बाद अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच भी ये डिमांड उठने लगेगी, हमें भी SC का रिजर्वेशन दिया जाए और हमें शेड्यूल कास्ट के में शामिल किया जाए। तो फिर 1956 में सिख धर्म के दलितों को भी इसमें शामिल किया गया, और फिर उसके कई सालों बाद सरकार ने बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले दलितों को भी 1990 में शेड्यूल कास्ट की सूची में डाल दिया, और सिर्फ तीन धर्मों से जुड़े हुए दलितों को ही SC के अंदर आरक्षण का लाभ दिया जाता है, और बाकायदा इसे संविधान में शामिल किया गया है। तो चलो, ये बात हुई SC की, लेकिन क्या ये चीज़ ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब या OBC में भी कवर होती है या नहीं? तो देखिए, अगर मामला SC से जुड़ा हुआ है ना, तो सिर्फ तीन धर्मों के लोग ही इसमें शामिल हैं, और मुस्लिम और ईसाई लोग जो दलित हैं वो SC से एक्सक्लूड किए गए हैं। लेकिन ST और OBC मामले में ऐसा नहीं है। ST और OBC के मामले में सिर्फ कास्ट देखी जाती है, उनका धर्म नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट भी ST को धर्म से
डिफ्रेंशिएट करती है और कहती है कि द राइट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल ट्राइब आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज हर रिलीजियस फेथ, यानी कि जो स्टेटस है एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, वो उसके रिलीजियस फेथ से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। और आपको तो पता ही होगा कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशनों की सिफारिशों को लागू किया गया था तो उसमें ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की एक नई श्रेणी को बनाया गया था, तो उसमें तो मुस्लिमों और ईसाइयों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिल गया था, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, दोनों जगह पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इससे पहले कोई कोशिश हुई है ताकि मुस्लिम दलितों और ईसाई दलितों को एससी में शामिल किया जाए और उन्हें जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है वो दिया जाए? तो देखिए, इस मामले में कई बार कोशिश हुई और जब से बौद्ध धर्म के लोगों को एससी में शामिल किया गया है तो तब से इसमें कोशिशें कई बार की जा चुकी है और इसके लिए 1990 में कई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश किए गए। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में आसानी से पास नहीं होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये बिल सरकार में शामिल कोई भी मिनिस्ट्री पेश नहीं करती है, बल्कि कोई एक सांसद पेश करता है और उसको दोनों सदनों में पास कराना बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को ज़रूरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके बाद 1996 में सरकार एक और बिल लेकर आई जो था द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल, को सिर्फ ड्राफ्ट ही किया गया था लेकिन सदन में उसको बहुत ज़्यादा विरोध होने के कारण उसको सदन में पेश ही नहीं किया गया। फिर 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो तब मनमोहन सिंह से इससे जुड़े हुए दो आयोग बनाए, एक था रंगनाथ मिश्रा कमीशन और दूसरा था सच्चर कमेटी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन एक नेशनल कमीशन था जिसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाया जाना था, और दूसरा था सच्चर कमेटी जिसमें खासतौर से मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन का पता लगाया जाना था कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं। ये कमेटी 7 मेंबरों की हाई लेवल कमेटी थी जिसको हेड कर रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर। लेकिन जब इन कमीशन का और कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आई तो तब पता चला कि जो सच्चर कमेटी थी उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है ना दलित मुस्लिमों की और दलित क्रिश्चियनों की, वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है आफ्टर कन्वर्जन, और उनकी तो स्थिति, दलित मुस्लिमों की स्थिति तो जो दलित हिंदू है उनसे भी ज़्यादा बदतर है, इसमें ये भी बताया गया था। और इसके बाद जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी मई 2007 में, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट से ये रिकमेंड किया गया था कि जो रिलीजन है वो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसको बिल्कुल ऐसा कर दो जैसे कि शेड्यूल ट्राइब है। अगर कोई व्यक्ति वो दलित है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको पूरी तरह से दलितों वाले अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 धर्मों के ही लोगों को जो है एससी के अंतर्गत रिजर्वेशन और जो दूसरे अधिकार वो दिए जाते हैं। तो जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें तो यही रिकमेंड किया गया था कि धर्म और एससी को पूरी तरह से रिलीजन न्यूट्रल कर देना चाहिए, यानी कि सिर्फ इसमें कास्ट देखी जानी चाहिए, धर्म नहीं देखा जाना चाहिए जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स में है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई तो उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? तो देखिए, ये पार्लियामेंट में पेश तो की गई थी 2009 में, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसकी जो सिफारिशें थी, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो रीज़न बताया गया था वो फेल डाटा बिल्कुल भी नहीं था और कोलैबोरेशन विद एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, और जो एक्चुअल सिचुएशन थी ग्राउंड की वो उसमें ग्राउंड वाली सिचुएशन नहीं दिखाई गई थी, और जो फील्ड डाटा था वो पूरी तरह से नहीं था। तो इसमें से कुछ फ्लॉज थे जो उसमें पूरी तरह से नहीं हो पाए थे। और इसके अलावा जो दूसरी स्टडीज़ हैं जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने किया गया था, उसने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ये बताई गई थी इसमें अनसफिशियंट डाटा है, यानी कि डाटा पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, जिससे इसको रिकमेंडेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। इसके बाद और अब रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को बेस पर बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और ये सभी याचिकाओं को में यही डिमांड की जा रही है कि मुस्लिम दलितों और ईसाई दलितों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस मामले में पर आखिरी बार सुनवाई हुई थी तो तब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने भारत के सॉलिसिटर जनरल को 3 हफ्ते का टाइम दिया था। सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको इस मामले में क्या स्टेटस है। बहरहाल अभी सुनवाई रुकी हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर सुनवाई शुरू होगी, सुनवाई जो है आने वाले समय में शुरू हो जाएगी, तो तब पता चलेगा कि आगे क्या होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @ इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है @इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।